Good morning, students. Welcome to our today's EVS class. How are you all? I hope all of you are good and doing well in your studies. So, in our EVS class, we will revise our first chapter, Understanding Our Relations. Previously, we completed this chapter and learned the different types of families, inheritance of our family members, different relations of our family, and also we met different characters in this chapter. हमने पहले जब इस चैप्टर को कंप्लीट किया था तो उस वक्त हमने ये सारी चीजें सीखी थी, कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं. हम दो कैरेक्टर्स से भी मिले थे, संजना एंड सलमा. उनकी फैमिलीज के बारे में भी हमने सीखा था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के साथ साथ हमने जो रिलेशनशिप्स होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, उनके बारे में भी सीखा था. एंड साथ में हमने इनहेरिटेंस, हमारी फैमिली से जो हम लोगों को मिलता है, उसके बारे में भी हमने सीखा था. सो टुडे अगेन वी विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. टाइप्स ऑफ फैमिलीज, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली. अगर हम देखते हैं तो हमें मेनली दो तरह के परिवार दिखते हैं. एक छोटा परिवार जिसे एकल परिवार कहा जाता है और एक संयुक्त परिवार जिसे बड़ा परिवार कहा जाता है. पिक्चर्स में बहुत क्लियर आपको समझ आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली यानी स्मॉल फैमिली, ओनली 3 to 4 मेंबर्स आर लिविंग टुगेदर. एंड जॉइंट फैमिली, द फैमिली इन विच मोर देन 8 मेंबर्स आर लिविंग टुगेदर, जिसमें 8 से ज्यादा, 8-9 से ज्यादा मेंबर्स साथ रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली इन विच फादर, मदर एंड 1 or 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर. 3 से 4 लोग, जरूरी नहीं है कि 3 पीपल ही हो, 4 भी हो सकते हैं, yes, और 5 भी हो सकते हैं. लाइक 4 or 5 मेंबर्स का जो परिवार होता है उसे स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स, योर फादर एंड मदर और उनके बच्चे. As I said, हम इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स से मिले थे, संजना एंड सलमा. सलमा की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है. उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका भाई रहता है. जॉइंट फैमिली, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स. ये जो फैमिली है इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार, जिसमें आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, उनके बच्चे, आप सबके साथ रहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. संजना की जो फैमिली है वो कैसी है? जॉइंट फैमिली है. पैटर्नल रिलेटिव्स, पैटर्नल रिलेटिव्स किसे कहते हैं? द रिलेटिव्स ऑफ फादर साइड, आपके फादर के जो रिश्तेदार हैं, आपके पापा के जो रिश्तेदार हैं, उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स कहा जाता है. जैसे आपके पापा के पापा, योर ग्रैंडफादर, आपके पापा की मम्मी, योर ग्रैंडमदर, आपके पापा के भाई, योर अंकल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और उनके बच्चे, कजिन्स. द रिलेटिव्स ऑफ मदर साइड आर कॉल्ड मैटर्नल रिलेटिव्स, और आपकी मम्मी की साइड के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें मैटर्नल रिलेटिव्स कहा जाता है. नाना नानी, मैटर्नल ग्रैंडपेरेंट्स, मामा मामी, पैटर्नल अंकल एंड आंट और उनके बच्चे. क्लियर? आई होप जो भी टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सबको समझ आ रहा है. नाउ वन डे संजना वॉज वेरी अपसेट इन द स्कूल. सलमा आस्क्ड हर कि क्या हो गया है, क्यों तुम इतना अपसेट हो? शी रिप्लाइड, माय मदर इज नॉट वेल. तो संजना ने कहा कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है. सलमा आस्क्ड हर, देन हु इज लुकिंग आफ्टर योर मदर, कि तुम्हारी मदर का ध्यान कौन रख रहा है? देन शी सेड, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एंड माय ग्रैंडमदर, माय आंट्स, माय सिस्टर्स आर देयर, जो मेरी मदर का ध्यान रख रही हैं. देन सलमा सेड, देन यू डोंट वरी, they all take care of your mother. तो सलमा ने उसे समझाया, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. But at the same time, on the same day,
when Salma reached her house, जब वो अपने घर पहुंची, she asked a question to her father. उसने अपने पापा से पूछा कि हम अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ, दादा दादी के साथ क्यों नहीं रह रहे? Her father replied, there are so many reasons behind that, कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है. And basically, these are the reasons for the formation of nuclear families, for the migration of the families from villages to cities. अगर हम main reason की बात करें कि why are the people moving from villages to cities, क्यों आते हैं? Because of their jobs and higher education of their children. Main reason अगर हम बात करें तो होता है एक तो जॉब और बच्चों की पढ़ाई, जिसकी वजह से फैमिलीज अपने जो घर होते हैं गांवों के, उनको छोड़कर कहां आते हैं? शहरों में आते हैं. सो सलमास फादर एक्सप्लेन्ड हर द रीजंस. व्हाट आर द रीजंस? द फर्स्ट, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ऑक्यूपेशन और द जॉब ऑफ द फैमिलीज, हायर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स. सिटीज में एक साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सिटीज का जो लिविंग स्टाइल है वो एक्सपेंसिव होता है रादर देन विलेजेस. तो महंगाई की वजह से भी पॉसिबल नहीं होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ रह पाए. हैबिट्स, जितने मेंबर्स होते हैं दे ऑल हैव डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट बिहेवियर. सबका बिहेवियर अलग होता है, सबकी हैबिट्स अलग होती है. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन्स बिहेवियर डेली, रोज ये नहीं पॉसिबल है. तो ये भी एक रीजन है. देन इकोनॉमिक कंडीशन. प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऑल द थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो हर किसी के लिए इतने सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ रखकर उनका सब कुछ ध्यान रखना पॉसिबल नहीं होता है. So these are the few important reasons for the migration of the families from villages to cities, or we can say the reasons for the formation of nuclear families. Cities mein hum log dekhte hain ki zyadatar, in most of the houses we observe the nuclear families are living, hai na, small families are living. Clear? Now the next point to revise is inheritance. One day, एक दिन की बात है, सलमा, संजना, they all went to attend a marriage function, and there they saw a little girl. वहां पर उन्होंने क्या देखा? एक छोटी बच्ची को देखा. And who was that girl? वो लड़की कौन थी? She was the cousin of Sanjana. वो संजना की कजिन थी, उनके अंकल की बेटी थी. तो when she looked her, जैसे उसने देखा, क्या कहा? She is very beautiful. And see, देखो उसकी आंखें बिल्कुल दादी पे गई हैं. तो these are the something that relate us to our family members. कुछ ऐसी चीजें, हमारी habits, हमारा behavior, facial features, physical features, attitudes, good values, so many things that we inherited from our family members. Inheritance means transfer of characteristics from generation to generation. एक generation से दूसरी generation में आना, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? Inheritance. हमारी family members की जो भी सारी चीजें हैं, वो सब हम में आती हैं. Now ग्रिगोर जॉन मेंडल एंड हरगोविंद खुराना, ये दो ऐसे मेन साइंटिस्ट हैं जिनको इनहेरिटेंस के लिए याद किया जाता है. ग्रिगोर जॉन मेंडल, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने पी प्लांट पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने इनहेरिटेंस के पूरे लॉज फॉर्मुलेट किए थे, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. और हरगोविंद खुराना, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अपनी खोज के लिए. सो आई होप चिल्ड्रन, द रिविजन विच वी हैव डन इज क्लियर टू ऑल. नाउ प्लीज सी दिस वीडियो टू
टू थ्री टाइम्स। तो उसे तीन बार आप इस वीडियो को देखें, देन इट इज इजी फॉर यू टू रिवाइज योर चैप्टर। थैंक यू।